भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है। जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या होता है। यह गौरव उनको पछता नहीं, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आप दुनिया के साथ समंदर पार कहीं जाओ, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि प्रधान सेवक ने इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। इस बात नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आसले राहुल गांधीर विदेशेर मेगा मॉल, कांग्रेस के पालता तोप बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधीर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मंतव्य निये पाल्टा आक्रमण करलें বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। জেপি নাড্ডা বলেন, রাহুল গান্ধী বলেছেন তারা প্রেমের দোকান চালাচ্ছে, কিন্তু আসলে তিনি ঘৃণার মেগা মল খুলেছেন। যখনই মানুষ ভারতের নেতৃত্বে বিশ্বাস করে তখনই রাহুল গান্ধীর সমস্যা হয়। বিশ্ব ভারতের ভ্যাকসিন নিতে প্রস্তুত, আর রাহুল গান্ধী ভারতের ভ্যাকসিন নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ভারতীয় ভ্যাকসিনের প্রশংসা করেন। রাহুল গান্ধী একদিকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, অন্যদিকে হিন্দু মুসলিম বিভাজনের কথা বলছেন। রাহুল গান্ধী দাবি করছেন তিনি মহব্বত কে দোকান চালাচ্ছেন, কিন্তু আসলে তিনি ঘৃণার একটি মেগা শপিং মল খুলেছেন। আমরা দেখেছি টুকরে টুকরে গ্যাং নিয়ে কারা ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের বিরোধিতা শুরু করেছে। এটাই কি কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ? নাড্ডার দাবি, বিশ্বের যেখানেই যান না কেন ভারতীয় মাত্রই জানেন প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। मैं यहां एक बात जरूर कहूंगा कि जब जब भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता है, जब जब भारत के नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो इस बात को आप प्रयास करते हैं, और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे, आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था, कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है, और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यह भूल जाते हैं मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। वैक्सीन भारत की थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। यह तुम्हारा रोल है, यह तुम्हारी राष्ट्रीयता है, दिस इज योर नेशनलिज्म। आप दुनिया के साथ समंदर पार कहीं जाओ, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि प्रधान सेवक ने इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, इस बात को जानते हो। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।